पीथमपुर के सेक्टर एक थाना क्षेत्र के महुनीबज मार्ग पर पुरानी अल्पाइन कंपनी के मैदान में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए पीथमपुर के नजदीकी अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया है। वहीं प्राथमिक जानकारी के अनुसार मृतक युवक का नाम कुणाल शर्मा, पिता राजेश शर्मा, उम्र 23 वर्ष, निवासी पीथमपुर है। शुरुआती जांच में पाया गया कि मृतक पिछले दो दिनों से घर नहीं पहुंचा था, नशे का आदि था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। वहीं थाना प्रभारी संतोष कुमार दूधी ने बताया कि पुलिस को सुनसान जगह पर लाश पड़ी होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर पाया कि शव करीब दो दिन पुराना है व जंगली जानवरों ने शव के कुछ हिस्से नोच लिए हैं। शव की शिनाख्त कुणाल पिता राजेश शर्मा नामक 23 वर्षीय युवक के रूप में हुई, जो दो दिन पहले अपने एक दोस्त के साथ नशा करने निकला था। युवक नशे का आदि बताया जा रहा है। युवक के साथी आकाश को पुलिस ने हिरासत में लिया है ताकि कुणाल की मौत की सही वजह पता की जा सके। वहीं शव को पोस्टमार्टम हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीथमपुर भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि युवक की मौत किन कारणों से हुई। भारतीय न्यूज के लिए कामिल मेहर की रिपोर्ट। आज हमें सुबह सूचना मिली थी कि एक सुनसान स्थान पर एक लड़के की लाश मिली है, पड़ी है। मौके पर जाकर देखा तो वो कुत्तों ने उसको छिनबिन कर रखा था। प्राइम ऑफिसी में जानकारी मिली कि कुणाल शर्मा नाम का लड़का है, 23 वर्षीय है और ये एक दिन पहले इसके साथी कोई आकाश के साथ नशा वसा करने के लिए वहाँ पर बैठा था, वहीं गया था। अभी आकाश से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि ज़्यादा नशा होने से कि वहीं पर सो गया था। मर्ग कायम करके अभी जांच कर रहे हैं, जो भी स्थिति होगी दर्ज होगी। सर प्रथम दर्शक क्या लग रहा है? अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद डिसाइड होगा कि ये अपनी नशे के कारण मरा है या स्वाभाविक मौत मरा है, इन कारणों से हुआ है। आपका नाम? संतोष। थैंक्स। Subscribe now to most exciting channel ever.